करेंगे जरूर, क्योंकि हम कंटिन्यूटी बनाए रखें। पर आज हरलीन, सिमरन और अंकित तीनों उपलब्ध नहीं थे, और मेरी मीटिंग थी बाराबंकी में। मैं लौट के आया तब मैंने 6 बजे मेल देखा, करीब की 5 बजे करीब की, कोई मॉडरेटर नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं आज नहीं कर लेता हूँ। तो साथियों, आज के इस सत्याग्रह के सत्र में आपका स्वागत है। और हम किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली को केंद्रित करके, उस पर लगातार रोज 7 बजे से हम 1 घंटे का सत्र कर रहे हैं। आज का सत्र शुरू करने में थोड़ी सी देरी हुई, इसके लिए माफी चाहते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, और उसका क्या हश्र हुआ, थोड़ा उस पर हम बात करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आंदोलनकारी तो गए नहीं थे, एक तो बात ये साफ जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक विधि का छात्र गया, और इसलिए गया कि उसने कहा कि ये जो किसान रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, ये रास्ता खाली करें। और ठीक इसी तरह का मामला हुआ था जब CANRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो कोर्ट से ये कहा गया कि भाई शाहीन बाग का जो धरना चल रहा है, वो लोग रास्ता रोक के बैठे हैं, इस रास्ते को खाली कराया जाए। कोर्ट ने ये भूमिका ली कि लोग रास्ता रोक के नहीं बैठ सकते, ये जिन लोगों को आना जाना है उनके मौलिक अधिकार का हनन है। ये बात सही है कि भारतीय संविधान में किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरे जगह जाने का अधिकार है। लेकिन कोर्ट में जो आंदोलनकारी थे, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात नहीं थी। तो कम से कम इस मामले में कोर्ट ने इतना तो कहा कि हाँ भाई, किसानों का अधिकार है अपनी बात कहने का, उनका ये मौलिक अधिकार है, और वो अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहे हैं तो ये कह सकते हैं। और रास्ता, बल्कि उसने ये कह दिया कि रास्ता तो पुलिस ने रोका है, रास्ता तो लोगों ने रोका ही नहीं है, क्योंकि बैरिकेड तो पुलिस के लगे हुए हैं। तो और पुलिस ने वहां पे ट्रकें खड़ी की हुई हैं रास्ते में, इस तरह से कि कोई आ जा ना सके वाहन। तो ये कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा, और ऐसा लोगों को लग रहा था कि शायद कोर्ट आंदोलन के पक्ष में भूमिका ले रहा है। लेकिन जैसा मैंने सिंघू बॉर्डर से भी कहा था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये न्यायालय लोगों का पक्ष लेगा, क्योंकि ये बहुत साफ हो गया है जब से खास करके कश्मीर पे जो फैसला सरकार ने लिया, यानी कि धारा 370 और 35 से हटाने का, और जिस तरह से वो निर्णय लिया, और उस पे कोर्ट का मौन, और वहाँ पे जो इंटरनेट की सेवाएं जो रोक दी गई थी, और जो अन्य पाबंदियां वहाँ लगाई गई थी, उसको लेके कई सारे पिटिशन हुए, लेकिन कोर्ट ने कोई स्पष्ट भूमिका नहीं ली। उसके बाद फिर हमने देखा कि कोर्ट ने खुद अयोध्या के मामले में फैसला दे दिया, जिन लोगों ने मस्जिद गिराई थी उन्हीं को पुरस्कृत किया और वहाँ मंदिर बनाने की अनुमति दी। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने जिन लोगों ने मस्जिद गिराई थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वो कानून विरुद्ध कार्रवाई थी, और वो एक आपराधिक कार्रवाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन सारे लोगों को बरी कर दिया। CANRC के मामले में कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और फिर आखिर में जब गर्मी में लोग चल के अपने घरों को जा रहे थे, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, उस समय भी कोर्ट ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो कर रही है वो ठीक ही कर रही होगी। उस समय भी कोर्ट ने सरकार की तरफदारी की, जबकि सारी दुनिया देख रही थी कि किस तरह से भारत की सड़कों पे मजदूर परेशान होते हुए गर्मी में सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल के आने को मजबूर थे, अपनी व्हाइट मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, 3 पहिया वाहनों पे, रिक्शे, टेम्पो
पे भी और ठेलिया जिसको कहते हैं और ऑटो रिक्शा पे भी मैंने देखा कि लोग दिल्ली से चले आ रहे थे लखनऊ तक, तो और ट्रकों में भर भर के। एक तरफ कहा जा रहा था कि आप दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए, लेकिन ये संभव ही नहीं था इन मजदूरों के लिए जो ट्रकों में भर के आ रहे थे, कि वो किसी भी तरह की दूरी बना के रखते या मास्क पहनते। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और फिर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में तब्दीलियां की गई कंपनियों के पक्ष में, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था पर्यावरण मंत्रालय को कि जो भी ड्राफ्ट बना था EIA में अमेंडमेंट का, उसको 22 भाषाओं में अनुवाद करके लोगों को उपलब्ध कराया जाए, और मंत्रालय ने नहीं किया। और ये ठीक उसी समय की बात है जब प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट हो रहा था, लेकिन कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को कंटेम्प्ट नहीं किया। तो ये हमने कोर्ट का रवैया देखा है, और इसलिए मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट किसानों का पक्ष लेगा, और अंत में वही हुआ। कोर्ट ने जो स्टे लगाया है कानूनों पे, वो तो इसलिए लगाया है क्योंकि सरकार वो लगाना नहीं चाहती है, और सरकार ने कोर्ट के माध्यम से ये स्टे लगवाया है, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने का है। और एक कमेटी बनाई है, और आप देखिए कितना विरोधाभास है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को तो फटकार लगा रहा है कि सरकार ने किसानों से कोई संवाद क्यों नहीं किया कानून बनाने के पहले, लेकिन उसने बिना पूछे किसी से 4 सदस्यों की समिति घोषित कर दी। और फिर ये लोगों को समझ में आया कि ये तो 4 वही लोग हैं जो सरकार के कानूनों का समर्थन कर रहे थे अपने बयानों में, अपने लेखों में। तो किसानों ने साफ मना कर दिया कि वो इस समिति से बात नहीं करेंगे। एक तरीके से उन्होंने कोर्ट का आदेश ही मानने से मना कर दिया। और उसमें जो एक सज्जन थे मान साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा, मैं कोई सरकार की बनाई कमेटी पे या सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पे मैं नहीं रह सकता, किसी पद पे नहीं रह सकता। तो ये एक बहुत अच्छी भूमिका मान साहब ने ली। इसी तरह की भूमिका हम अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के और सांसद, विधायक, मंत्री और स्वयं नरेंद्र मोदी भी लेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा पदाधिकारी सिवाय शिरोमणि अकाली दल के, जिसने कि इस सरकार का साथ छोड़ दिया था जब ये कानून पारित कराए जा रहे थे, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि खास करके पंजाब में जो जनता का जो माहौल है वो सरकार के खिलाफ, और किसान सरकार से नाराज हैं, इसलिए उसने समय रहते ये गठबंधन छोड़ दिया। बहुत बुद्धिमानी की। लेकिन बाकी और कोई जो है जो पदों पे थे, जो सरकार के साथ थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये एक दुर्भाग्य की बात है। हाँ, एक राजस्थान में भी एक हनुमान बेनीवाल, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, सांसद बने, उन्होंने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। अंदर अंदर तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत एक एक जी। हरियाणा से, एक हरियाणा से भी थे MLA, और वो चेयरमैन भी थे किसी चीज के, अच्छा, जी वो उन्होंने भी छोड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हरियाणा से भी गुलजार भाई बता रहे हैं एक सज्जन ने सरकार का साथ छोड़ा है, लेकिन जिस पैमाने पे लोगों को सरकार का साथ छोड़ना चाहिए था वो नहीं हुआ। खैर, फिलहाल ये कमेटी तो अधर में लटक गई है, क्योंकि जैसा कल प्रोफेसर आनंद कुमार दी पब्लिक पोर्टल पे कह रहे थे कि 4 पहिए की गाड़ी में से एक पहिया तो पंचर हो गया। तो अब क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इससे ये कम से कम इसकी इसकी पोल खुल गई कि सर्वोच्च न्यायालय कोई किसानों के पक्ष में बात नहीं कर रहा था, वो तो कुल मिला के सरकार का बचाव कर रहा था, कि सरकार अपनी नाक बचाने में लगी हुई है, और ये इतने अहंकारी लोग हैं कि ये खुद पीछे नहीं हट सकते हैं। तो कोर्ट के माध्यम से वो कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, ताकि, लेकिन बात वो अपनी ही मनवाना चाहते थे। वो कमेटी के गठन से स्पष्ट है, क्योंकि कमेटी में कोई भी किसानों के पक्ष का कोई भी सदस्य नहीं था।
और कोई ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति भी नहीं था जो जिसको कहा जा सके कि भाई ये सरकार का आदमी नहीं है, ये सरकार के कानूनों का समर्थन नहीं करता है। एक नाम पी साईनाथ का कई लोग ले रहे हैं कि भाई पी साईनाथ ने इतने सालों से ग्रामीण इलाकों और कृषि पे लेखन किया है, कम से कम पी साईनाथ को ही रख लेते या उनके जैसे किसी व्यक्ति को रख लेते जो कम से कम तटस्थ भूमिका में रहता। लेकिन ऐसा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बात बहुत साफ है कि ये जो कमेटी बनी है, ये सरकार ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये चार नाम सुझाव के रूप में भेजे थे। सरकार सिर्फ अपने लोगों को ही चाहती थी और इसलिए ऐसी कमेटी बनाई गई। और आप देखिए कि ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि पहले दिन से सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को समझाएंगे कि ये कानून उनके उनके हित में है। मतलब सरकार ये बात ही मानने को तैयार नहीं है कि इन कानूनों में कोई कमियां हैं। वो ये मान रही है कि कानून तो एकदम दुरुस्त है, लेकिन किसान जो है वो भ्रमित है या उसको भ्रमित कर दिया गया है, और इसलिए हम उसको समझाएंगे। और ये समझाने के मोड में है। हमारे हरियाणा में खट्टर साहब 11 तारीख को जो सभा करने वाले थे, वो ये रश्मि कुमार जी ने बहुत सही कहा है कि ये सरकार सब कुछ समझी हुई है और वो किसानों को समझाना चाह रही थी। तो खट्टर साहब भी किसानों को समझाने जा रहे थे जब किसानों ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया और उनके टेंट को उखाड़ के फेंक दिया। तो शायद इनको इसी तरह का जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि ये इतने अहंकारी और कहना चाहिए एकांगी लोग हैं कि ये रश्मि कुमार जी का कमेंट बिल्कुल सही है कि इनके सारे निर्णय इस तरह के हैं, चाहे वो नोटबंदी वाला निर्णय हो या फिर बिल्कुल सही कहा रश्मि कुमार जी ने कि कोई डायलॉग में ही इनका विश्वास ही नहीं है। ये सारे निर्णय लेके और फिर जनता पे थोप देते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो जनता को समय भी नहीं देते। वो 8 बजे टीवी पे आते हैं और 12 बजे से वो अपना निर्णय लागू करवा देते हैं, उसमें कोई कहीं कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपने देखा कि जब कश्मीर का फैसला हुआ संसद के अंदर, तो इतनी शर्मनाक घटना हुई कि कश्मीर का जो सबसे वरिष्ठ सांसद है और जिसके पिताजी की वजह से जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना, अगर शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो कश्मीर इतनी आसानी से भारत का हिस्सा नहीं बनता। क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने कबीलाई भेजे थे वहाँ पे कब्जा करने के लिए, और ये शेख अब्दुल्ला और वहाँ का राजा हरी सिंह अपने प्रधानमंत्री को लेके श्रीनगर छोड़ के भाग गया था, और ये तो शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने वहाँ कबीलाई लोगों का सामना किया और आखिर में ये फैसला लिया कि वो भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाएंगे। उनके पुत्र फारूख अब्दुल्ला को संसद में उन्होंने आने तक नहीं दिया, उनके घर पे पुलिस लगा दी, और ये कहा गया संसद में कि वो उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो संसद में नहीं है। और फारूख अब्दुल्ला दूसरी तरफ खुल के कह रहे थे कि भाई मेरे घर के बाहर पुलिस लगी है, मैं कैसे आऊं। तो मतलब ये तो सरासर गुंडागर्दी है कि आप सांसद को संसद में नहीं आने दे रहे, तो आप सोचिए कि आम आदमियों के साथ ये कैसा बर्ताव करते होंगे। तो मैं भी इस तरह की हालात झेल चुका हूँ। कश्मीर पे प्रदर्शन करने को लेके 2 बार, और एक बार अयोध्या जाना था मुझे तो नहीं, तीसरी बार वो 19 दिसंबर को CANRC के विरोध प्रदर्शन में भाग लेना था, तो मेरे घर के बाहर भी पुलिस लगी, और 3 बार मुझे पिछले साल अयोध्या जाने से रोका गया, क्योंकि हम लोग अयोध्या में एक सर्वधर्म सद्भाव केंद्र का निर्माण करने वाले हैं, उसका एक ट्रस्ट का गठन हो गया है। तो ये दूसरी कोई राय सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये जो निर्णय लेते हैं उसी को सही मानते हैं। और ये एक विडंबना भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये माना जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो तथाकथित बुद्धिजीवियों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, इसके अंदर समझदारी की इतनी कमी है। चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उठा के देख लीजिए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को छोड़ के कोई चौथा व्यक्ति नहीं था कैबिनेट मंत्री बनने लायक।
फिर उसके बाद सीधे प्रमोद महाजन का नंबर आता था। तो फिर बहुत सारे लोगों को लाया गया बाहर से, जॉर्ज फर्नांडिस को, ममता बनर्जी को, जसवंत सिंह को, यशवंत सिन्हा को, तब तो वो मंत्री बना पाए लोगों को। और ठीक यही हाल नरेंद्र मोदी की सरकार का है कि इसमें भी अगर अरुण जेटली को छोड़ दिया जाए, जो अब नहीं रहे हमारे बीच, या निर्मला सीतारमन को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे कोई लोग ही नहीं दिखाई पड़ते हैं कि जिनके साथ कोई बातचीत की जा सके, जिनके साथ कोई संवाद संभव हो, कि वो आपकी बात सुनने को तैयार हो और आपके साथ बहस करने को तैयार हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई प्रेस वार्ता संबोधित नहीं की है, क्योंकि वो प्रेस के सवाल नहीं लेना चाहते हैं। और जहां वो करते भी हैं तो ऐसा बताया जाता है कि वो सवाल पहले से लिख के दिए जाते हैं लोगों को कि आपको यही सवाल पूछने हैं, या पहले सवाल लिखवा के ले लिए जाते हैं कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र विरोधी सोच है एकदम। और जिस तरह से सरकार ये थोपने की कोशिश कर रही है, सरकार ने सोचा कि हमने नोटबंदी का फैसला लोगों से मनवा लिया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो नोटबंदी था ही नहीं, वो तो नोट बदली था, क्योंकि आप 1,000 रुपये का नोट वापस लेके आप 2,000 रुपये का नोट ले आए, और बड़े नोट से बड़ा भ्रष्टाचार ज़्यादा आसान होता है। भ्रष्टाचार बढ़ा है ये कहीं भी पता करके देख लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जबकि वो दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन सब जगह सब सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों चल रहा है, पहले से बढ़ गया है। बल्कि हमारे मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव जी ने तो कह दिया कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकार में थाने पे जो काम सैकड़ों रुपयों में हो जाता था, वो उस काम के लिए अब 1,000 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उनकी सरकार में भी भ्रष्टाचार था लेकिन कम था, और इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो या शायद उन्होंने इस तरह से कहा था कि जो काम 1,000 रुपये में थाने पे हो जाता था, उसके अब 10,000-20,000 रुपये लगते हैं। तो ये किसी से छिपा नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, फिर भी ये सरकार जो है अपनी पब्लिसिटी इस बात की करती है कि वो भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर रही है। और इसी का नतीजा है कि उनको लगा कि हमने नोटबंदी थोप दिया देश के ऊपर, GST थोप दिया, अयोध्या का फैसला थोप दिया कोर्ट के माध्यम से, कश्मीर का फैसला थोप दिया, CAA NRC थोप दिया। और वो तो आंदोलन उस समय भी खड़ा हो गया था पिछले जाड़े में, और शायद कोरोना ना आया होता तो वो आंदोलन अभी तक चल रहा होता, जिस तरह से मुस्लिम महिलाएँ बैठ गई थी सड़कों पर। तो सरकार को लगा कि हम और कोई विरोध, बहुत बड़ा विरोध नहीं हो रहा था, CA NRC पे विरोध हुआ लेकिन वो ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं तक सीमित रहा, तो सरकार को लगा कि हम और भी फैसले लोगों के ऊपर थोप सकते हैं। और उन्होंने एक एक करके पहले मजदूरों के कानून बदल दिए, वो थोप दिया, पर्यावरण के जो आंकलन का जो कानून है उसको बदल दिया, और फिर ये किसानों का कानून जो है उन्होंने थोप दिया। लेकिन इस बार उनको जो अपेक्षा नहीं थी, उन्हें लगा था कि कोरोना का बहाना बना के वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा इस बार हुआ नहीं, क्योंकि लोग भी अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियां होती हैं बिहार के चुनाव में और हैदराबाद के चुनाव में, बंगाल का चुनाव अभी इतना दूर है, फिर भी अमित शाह बिना मास्क के जाके वहाँ कार्यक्रम करते हैं। जिस दिन शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल किया गया है, उस दिन की आप तस्वीरें वीडियो देख लीजिए, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है मंच पे। तो लोगों को भी समझ में आ गया कि कोरोना का बहाना तो सिर्फ लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए है, ये अपने इनके कार्यक्रम सारे होते रहते हैं। और असल में ये बीमारी तो इतनी बड़ी है नहीं जितना हवा बनाया गया है। ये बीमारी वैसे ही है जैसे बाकी बीमारियां हैं, TB है जिसमें कुछ लोग मरते ही हैं, लेकिन अगर आपकी शरीर की अंदरूनी क्षमता, उसकी शक्ति मजबूत है तो आपको वो रोग नहीं लगेगा, उसी तरह का ये रोग है। लेकिन जिस तरह से इसका बहाना बना के हमारे ऊपर सरकार के तमाम निर्णय एकांगी तरीके से बिना किसी बहस के, संसद में भी बहस नहीं कराई गई ठीक से,
इसको थोपा गया राज्यसभा के अंदर। सबने देखा कि हमारे सांसद मांग कर रहे थे कि भाई बात सही है, सतीश सिक्का जी कह रहे हैं कि टीबी का तो इलाज है, फिर भी लोग टीबी से मरते हैं इस देश के अंदर। हमारे बॉबी भाई बताएंगे कि कितने लोग मर जाते हैं टीबी से। तो ये बहुत शर्म की बात है कि इलाज होते हुए भी लोग मर रहे हैं। कोरोना का तो अभी इलाज नहीं है ये माना जाए, ये एक वैक्सीन आई है ज़रूर, लेकिन उसके बारे में ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसकी पुष्टि नहीं हो सकती। कोई कह रहा है कि एक साल की इम्यूनिटी होगी, लेकिन बॉबी ने ठीक ही कहा है कि भाई आपने कोई अभी इसका कोई परीक्षण तो किया नहीं है, तो आप ये दावे कैसे कर सकते हैं। और भोपाल गैस पीड़ितों के ऊपर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया, उसमें कुछ लोग प्रभावित भी हुए, लेकिन वो सारी चीज़ें दबा दी गई। तो ये जो सरकार के काम करने का तरीका है वो एकदम गैर लोकतांत्रिक है, अपने निर्णयों को थोपने का है, बहस से बचने का है। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों को देखें तो इनकी कोई हिम्मत नहीं होती है कि ये अपने बड़े नेताओं से कोई बात कर सकें, कोई कोई बहस कर सकें। तो सरकार ने सोचा कि इसी तरीके से यहाँ भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल हो गई है क्योंकि जो लोग वहाँ सीमा पे बैठ गए हैं और ख़ास करके सिख समुदाय के लोग, वो अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी नैतिक शक्ति के साथ बैठे हुए हैं। और अंतर ये है कि सरकार के अंदर कोई नैतिक शक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी खुद खुद कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं, वो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पैसों के खेल को समझते हैं। वो उन्होंने सोचा कि हम पैसों के बल पे हम चुनाव जीत सकते हैं। पैसों के बल पे उन्होंने इस देश के दो बड़े उद्योगपतियों को जो है बहुत फायदा पहुंचाया है। और ये सब लोग कह रहे हैं कि ये सरकार तो अडानी अंबानी की सरकार है, जितनी निर्लज्जता के साथ उन्होंने ये किया है ये तो शायद ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री की शपथ लेने आते हैं तो अडानी के हवाई जहाज से आते हैं और जियो के फोन में के जियो फोन के विज्ञापन में वो विज्ञापन का हिस्सा बनते हैं। तो खुल के इस तरह से अपने पूंजीपति मित्रों का साथ दे रहे हैं और उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने बीच में जो राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले नियम कानून हैं उनको भी बदल दिए और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से अब जो चंदा दिया जाता है उसकी जानकारी देना जनता को अनिवार्य नहीं है। आप देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक पिछली सरकार थी जो सूचना के अधिकार का कानून लाई है, जो कानून कहता है कि सरकार के दस्तावेजों में जो भी जानकारी है वो जनता को मिलनी चाहिए। कोई भी जानकारी जो हमारे सांसद मांग सकते हैं वो जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए अगर जनता मांगे। लेकिन ये सरकार एक ऐसा नियम बना देती है कि चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों को ये बताना ज़रूरी नहीं है या पार्टियों को भी बताना ज़रूरी नहीं है कि उन्हें किस कंपनी से कितना पैसा मिला। और चुनाव के लिए चंदा देने पे जो सीमा थी कि आप अपने पिछले तीन साल के मुनाफे का 7.5% चंदा दे सकते हैं चुनावी चंदे के रूप में, उस सीमा को ही खत्म कर दिया। तो इस सरकार ने ये एक कमेंट है सतीश सिक्का जी का कि कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, मैं मुझे माफ कीजिएगा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। मैं मुझे लगता है कि आप लोग खुद अपने कमेंट्स इस वार्ता में रखिए। तो ये जो जिस तरह से इन्होंने इस पूरी चीज़ को बदला है चुनावी चंदे की व्यवस्था को, जिसमें कि अब आप इनसे पूछ नहीं सकते और उस सीमा को हटा दिया है, तो ये सरकार का एक तरीका हो गया है कि भ्रष्टाचार को ये नियमित कर दे रहे हैं, उसका नियमितीकरण कर दे रहे हैं, मतलब करप्शन को ये रेगुलराइज कर दे रहे हैं। आप
पहले भी सबको मालूम है कि प्राइवेट कंपनियां पार्टियों को चंदा देने देती थी, जो एक सीमा तय थी, सीमा के से ज्यादा देती थी, वो अवैध था। लेकिन अब वो सीमा हट गई, तो अब जो पहले अवैध था वो वैध हो गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो सीमा थी भंडारण की, उसको आपने हटा दिया, तो अब कालाबाजारी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार को ये वैध बना देते हैं, ये इनका तरीका है जिससे इनके पूंजीपति मित्रों को फायदा हो। तो इस सारी चीज पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मदद ली, लेकिन वो प्रयास जो है वो औंधे मुंह मैं कहूंगा गिर गया, और सरकार पूरी तरह से असफल रही है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसानों को समझाने में। और मुझे लगता है कि ये रास्ता सरकार के लिए वाकई कठिन है, क्योंकि चुनौती बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि किसान किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो इस कमेटी से तो बात नहीं करेंगे, और जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो किसी भी कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं। अब मैं चाहूँगा बहुत सारे लोग जो अपने कमेंट्स चैट बॉक्स में भेज रहे हैं, जरा आप अपनी बात रखिए सबके सामने, तो और लोग भी उसको ध्यान से सुनेंगे और एक बहस उस पर हो सकती है। शुड आई कंटिन्यू सर? हाँ गुलजार भाई आप बोलिए। हाँ थैंक यू सर पांडे जी, मैं पिछले काफी दिनों से आपको सुन रहा हूँ और आई रियली एडमायर योर डीप नॉलेज ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर विषय में आपकी जो नॉलेज है आई सल्यूट दैट। आज आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें काफी बातें खुलकर बताई और आई टोटली एग्रीड। तो सभी विद्वान लोग बैठे हैं, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो उसे हूबहू लागू करने में काफी हद तक सफल रही है, चाहे उसके लिए उसे कोर्ट की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। ट्रिपल तलाक का जो इशू था वो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, तो इन्होंने देखा कि हमें किसी समुदाय विशेष के लिए बुरे क्यों बने, तो उसे उन्होंने कोर्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा दिया। आगे चलो, सेम विद द केस ऑफ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बनाना भी इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वो भी इन्होंने बनवाया मगर कोर्ट के थ्रू बनवाया। 370 का इशू है उसमें भी कोर्ट साइलेंट रही। तो इन सभी चीजों से ये एक बात क्लियर हो जाती है कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी वही काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा है। एनआरसी का मुद्दा है उस पे भी वो बिल्कुल साइलेंट रहे, 370 पे बिल्कुल साइलेंट रहे, अब किसान मुद्दे पे भी ये साइलेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो वो इन कानूनों को रद्द कर सकती थी, क्योंकि जब पहले दौर में मीटिंग किसान नेताओं के साथ इनकी शुरू हुई है तो गवर्नमेंट का यही एक सुझाव था कि आप ऐसा करो 4-5 मेंबर आप आ जाओ, 4-5 मेंबर हम सुजेस्ट कर देते, एक कमेटी बना देते, और उन्होंने स्ट्रेट पे रिफ्यूज कर दिया कि हम ऐसा कोई कमेटी हमने बनानी ही नहीं, हमारी तो एक ही मांग है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इनको रद्द किया जाए। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफियर किया है, सेम डे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसान नेताओं ने की, और उन्होंने क्योंकि वो बड़े विद्वान लोग बैठे हैं जो वहां बैठे हैं, मैं सलूट करता हूं उनकी काबिलियत को, उनको पहले ही पता था कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो उन्होंने एक दिन पहले ही जब मना कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उस चीज को लाना ही नहीं चाहिए था। सो ये इस देश की, मैं तो एक तरह से ये कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि सारे देश में तो क्या विदेशों में भी हमारी छवि धूमिल हो रही है, लोग हम पे ताने कस रहे हैं। एक तरफ आप दिल्ली में बैठे हो, 70 किसान शहीद हो गए, आप उनके लिए एक दो शब्द भी नहीं बोल रहे, और अगर अमेरिकन पार्लियामेंट पर वो हो रहा है तो उसके लिए आप संवेदनशीलता जाहिर कर रहे हो, व्हाई दीज ड्यूल पैरामीटर्स। अगर जस्टिन ट्रूडो कहता है कि किसानों की मांग सुननी चाहिए तो आप कहते हो कि भी
हमारे इंटरनल मामलों में कनाडा क्यों बोल रहा है और आप अमेरिका के मामले में जाकर क्यों बोल रहे हैं। जी सही बात। तो जो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो विदेश नीति, मैं मानता हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, उन्होंने बहुत अच्छी विदेश नीति बनाई। हम एक डेवलपिंग कंट्री है और मैं तो कहूंगा कि अंडर डेवलपिंग कंट्री है। हमारा क्या है कि जो हमारे जो भी सुपर पावर्स हैं उसमें चाहे कोई सरकार आ जाए, हमने उसके साथ अच्छे संबंध बना के अपना काम निकलवाना है। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री देखे, मैं इनकी बुद्धि को दाद देता हूं कि ये जहां वहां जाकर हाउडी मोदी कर रहे हैं और अब कितनी इंसल्ट हो रही है इनको। अब ये सोचने का विषय है कि आप जो 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 बाइडेन आ गया उससे आप किस मुंह से मदद मांगोगे, जब तो आप तो उनके खिलाफ प्रचार करते रहे हो। क्योंकि भारत की ये कभी भी एक्सटर्नल पॉलिसी रही ही नहीं कि किसी भी देश की इंटरनल मामले में ये पहले प्रधानमंत्री देखे जो वहां जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये हमने कैसा नेता चुन लिया है, ये किस तरफ देश को लेकर जा रहा है। जो कुछ बड़ी फैमिलीज हैं जो उनके ही बेनिफिट्स के लिए किसान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, हम लोग घर में हीटर लाकर बैठे हैं रजाई में तब भी हमें सर्दी लग रही है, और ये लोग बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं हजारों करोड़ के, इनको उस किसान का दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। तो मैं मगर मेरा पांडे सर एक मानना ये भी है कि ये जो किसानों की जो शहादत है ना, ये कभी अजाई नहीं जाएगी। जी, क्योंकि जो भी मूवमेंट चलती है ये नहीं है कि ये कहीं लिखा नहीं जा रहा, ये सारी चीजें लिखी जा रही है मगर ये पब्लिश नहीं हो रही। पब्लिश कब होगी, जब तख्ता पलटेगा, सरकारें नहीं आएंगी, सारा कुछ चेंज होता है, तो फिर इस चीज का जवाब तो देना पड़ेगा। जब 1984 के राइट्स हुए तो कभी सज्जन कुमार ने या दूसरे टाइटलर ने सोचा था कि हम जेल में चले जाएंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी थी, स्टेट में गवर्नमेंट उनकी थी, मगर आज वो सलाखों के पीछे बैठे। तो ये जो मोदी जी ये जो कर रहे हैं इसका सबका सब उनको जवाब कभी ना कहीं देना पड़ेगा। ये जो किसान शहीद हो रहे हैं, तो आप तो बहुत विद्वान लोग हो, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इराक में डिक्टेटरशिप रही, सद्दाम हुसैन ने लगभग 28-30 साल अपना तख्ता बचाकर, तो फिर जब 2002 में अमेरिका ने ये जो ऑयल की गेम खेली और सद्दाम हुसैन पे एक एलिगेशन लगा दिया कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है हमें दिखाओ, वो सारी एक गेम थी। और उसके बाद वो अपने जो उसका इंसेंट विलेज था टिरकिट, वहां जाकर छुप जाता है, तो वहां से वो निकाल कर लाते हैं। तो फिर अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कहता है कि सद्दाम हुसैन जब ईरान और इराक की जंग चल रही थी तो टिरकिट का एक बहुत बहादुर कबीला था, मुस्लिम कबीला, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, शायद वो यजीदी थे, तो उनके जो कुछ नौजवान जुझारू लोग थे तो उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ तख्ता पलटने की कोशिश कर दी थी कि भी सद्दाम हुसैन को रिजाइन करना। तो इसने क्या किया, वो यजीदी कबीले के 128 लड़कों को मारा सद्दाम हुसैन ने। तो अल्टीमेटली जब अमेरिका ने इसको फिर अरेस्ट किया तो फिर इन्होंने वो फाइल खोली कि भाई वो 128 लड़के जो तूने मारे थे उसका जवाब दो। तो उसी केस में वो फिर महाभियोग चला, उस पर जो सजा चली और अल्टीमेटली उसको ही वाज हैंग्ड। तो मेरा अब भी मानना है कि ये जो हमारे भाई जो हमारे बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, तो जैसे सद्दाम हुसैन को उस चीज का हिसाब देना पड़ेगा, तो समय आएगा, अच्छा समय आएगा, नरेंद्र मोदी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ, सिर्फ ये किसानों का ही मामला नहीं है गुलजार भाई, और भी इन्होंने काम किए हैं। गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए, ये सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर और जस्टिस लोया की आत्महत्या, वो केस सुन रहे थे और वो आत्महत्या कर लेते हैं, ये सारे मामले हैं जो मुझे लगता है कि एक जो एक आदमी जो तड़ी पार है वो आज सेकंड हाईएस्ट पोस्ट लिए बैठा है। जी जी जी, तो ये सारे मामले कभी ना कभी तो खुलेंगे,
बिल्कुल देर है अंधेर कभी भी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो बातें मैं गिना रहा था उसमें ये किसी ने जोड़ा है कि पीएम केयर्स फंड भी ऐसा ये ही। मैंने ही लिखा है सर, हाँ मैंने ही आपने लिखा लिखा है है। हाँ, गुलजार भाई ने कि लिखा है। पहली दफा हो गया प्रधानमंत्री राहत हाँ कोष को पीएम केयर्स कर दिया। जी, बताइए। और वो उसको कहते हैं प्राइवेट ट्रस्ट है, उसका हाँ, जो उसकी अध्यक्ष। को देयर विल बी नो ऑडिट, हाँ उसका कोई उसका, ऑडिट की जरूरत नहीं है। हाँ और नंबर आरटीआई। दो, जो प्राइम अगर जो पहले था, अगर जो प्रधानमंत्री राहत कोष, उसका को सिग्नेटरी लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, जी। तो उसको चीज को खत्म कर लेके पीएम केयर्स कर दिया। हाँ, जी। और ये बताइए, कितनी अजीब बात है कि उसका नाम पीएम केयर्स है, उसका नाम नरेंद्र मोदी केयर्स नहीं है, हाँ और जी, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, इसका हिसाब किताब आप आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते। और उससे भी मजेदार बात यह है कि उसमें जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की तनख्वाह से पैसा काट काट के डोनेशन करवाया जाता है, एक एक दिन का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जी हमने 2 दिन की सैलरी दी है सर, जी जी और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जी कोई हिसाब नहीं। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, ये जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं सरकारी और जो दूसरी कंपनियां हैं, उनके डोनेशन दिए गए। सर और ये कहते हैं पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम सेक्टर से ये इतनी ज्यादा कमाई कर रहे हैं, जब लॉकडाउन में जी माइनस में बैरल चला गया था, उस समय भी डीजल पेट्रोल 70-80 रुपए बेचा है। जी। और हजारों अरबों करोड़ रुपया ये गवर्नमेंट उसी में खर गई। जी। और जब ये जनाब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एक गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बनाया गया था, जिसको 10,000 करोड़ रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिया गया, और वो पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद जीएसपीसी को कहा गया कि इसको वो कौन सी कंपनी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दूसरी एक कंपनी कहा गया कि सरकारी कंपनी, उसमें इसको मिला दिया जाए। हाँ और जी, वो दूसरी कंपनी को कहा गया कि इनका जो कर्जा है इसको अब आप भरिए। तो उसका नाम मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, बहुत ऐसा प्रसिद्ध। कुछ ही सर, ऐसा कुछ ही ये करते हैं। देखो जियो आया तो बीएसएनएल खत्म हो गई है जी। ना सर, तो ऐसे ही ये अब ठीक है। एग्री आएगी तो खेती खत्म अब हो मैं जाएगी। चाहूंगा कि रश्मि कुमार जी कुछ कहना चाहें या सतीश सिक्का जी कुछ कहना चाहें, चूंकि आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, तो आप भी अपनी बात रखें, या कोई भी साथी जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगर कोई और बात नहीं रखना चाहता हो है, तो फिर मैं एक दूसरी बात आपके सामने रखूंगा। आज हमारी यहाँ पे एक मीटिंग हुई है बाराबंकी में, क्योंकि मैं जब वहाँ था 8 तारीख से लेके और 12 तारीख तक, तो हमने देखा कि 26 जनवरी की तैयारी हो रही है, किसान दिल्ली अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रवेश करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का किसान बहुत बड़ी संख्या में शामिल नहीं हो पा रहा है, 2 वजहों से। एक तो वो छोटा किसान है, वो पंजाब के किसान की तरह संपन्न नहीं है, हालांकि हमारा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश और देश के बाकी किसानों को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो जाए, वो मिलने लगे, तो ये किसान भी संपन्न हो जाएंगे। और इसीलिए ये मांग बहुत ज़रूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो एमएसपी चूंकि यहाँ मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ के किसान को लग रहा है कि हमारा तो कुछ जा नहीं रहा है, हम तो पहले से ही जो है काफी कठिनाई झेल रहे हैं, और हम कर्ज में हैं, और हमारा क्या फायदा होगा इस आंदोलन से। उसकी स्थिति पहले से ही काफी खराब है, और उसको लगता नहीं कि उसको कोई उम्मीद ही नहीं है कि उसकी कोई स्थिति बेहतर हो सकती है। तो उसे कानून के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कह रहा है हमारी स्थिति तो पहले से ही कोई कोई बहुत अच्छी नहीं है, और कितनी बुरी होगी। तो लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि एक बड़ा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के किसानों का है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ये मुद्दा बना है, मैं
मुझे याद है कि सीतापुर जिले से कुछ ग्राम प्रधानों ने मुझे बुलाया था योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, जब देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही थी और कोई भी खास करके मुसलमान अगर उसके ऊपर शक भी हो गया गाय का मांस खाने का, या वो गाय किस को लेके कहीं जा रहा है, ऐसी घटनाएं राजस्थान और झारखंड में हुई कि गायों को वो लेके जा रहे थे और उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हें पीट पीट के मार डाला गया, तो गायों की सारी खरीद और बिक्री एकदम बंद हो गई। और फिर वो जो गाय थी जो बूढ़ी हो गई थी, या जो बैल थे या जो बछड़े थे जिनका किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं था, वो गांव में खुले घूमने लगे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको पकड़े, क्योंकि गौ रक्षकों का डर था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ रक्षक की परिभाषा ये हो गई है कि वो नहीं जो गायों को पालते हैं, बल्कि वो जो गाय के नाम पे मारपीट करते हैं। तो मैं जब उस मीटिंग में गया तो मुझे कहा गया कि भाई ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इस सरकार से कहिए कि अब तो गांव गांव गौशाला खोलने पड़ेंगे इन खुले जानवरों को रखने के लिए। हम लोगों ने कंप्यूटर की जो शिकायत दर्ज करने की सेवा है उसके माध्यम से शिकायत भी दर्ज की 3-4 ग्राम प्रधानों की तरफ से, तो मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आया कि मतलब उनके कार्यालय की तरफ से कि नहीं, इस समस्या का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है और वो इसका कोई निराकरण निकालेंगे। गांव में मैंने जब लोगों से पूछा कि भाई पहले तो आप हमको ये बताते थे कि वो नील गाय आ जाती है और खेतों को चर जाती है, उससे आप काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन अब तो आप उसकी बात ही नहीं कर रहे, अब तो आप सिर्फ इन गायों की बात कर रहे हैं जो सामान्य गायें हैं। तो लोगों ने कहा कि अरे जो ये नुकसान पहुंचा रही हैं, ये जो गाय और जो बैल बछड़े हैं, इसके सामने तो नील गाय जो नुकसान करती थी वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नील गाय तो भगाने से भाग जाती थी, ये तो भागती नहीं है, क्योंकि ये तो गाय के पालतू जानवर है, ये तो गांव के पालतू जानवर है और ये उस तरह से तेजी से भाग भी नहीं सकते, तो ये तो एकदम ढीठ बन के ये अपना फसल खाते रहते हैं और इनको मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप इनको मारेंगे मतलब डंडे से भी मारेंगे तो कोई गौरक्षक आ जाएगा आपको आपके साथ मारपीट करने के लिए। तो ये हाल हो गया कि गाय बछड़े बैल खुले घूम रहे थे और मुझे तो ये लग रहा था कि 2019 क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ आए थे और मुझे लग रहा था कि सिर्फ इसी एक मुद्दे पे 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत गई। आज हम उस पर बात नहीं करेंगे कि वो कैसे जीती, उसने और क्या क्या तिकड़म किए, लेकिन वो खैर जीत के आ गई। और अभी एक घटना हो गई हरदोई जिले में, हमारे साथी राम प्रकाश जो लालम मवई गांव के रहने वाले हैं, 16 तारीख को गांव की बैठक में मैं गया, दिसंबर की बात है, बैठक थी पंचायत चुनाव को लेके, लेकिन गांव वालों ने कहा कि हमारी बड़ी समस्या है ये खुले जानवर, इसके बारे में कुछ करना ज़रूरी है। तो पशु चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन किया गया, पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि देखिए हमारी गौशालाएँ फला फला गाँवों में हैं और आप वहाँ के ग्राम प्रधान को सूचित करके आप इन गायों को ले जाके वहाँ रखवा दीजिए। खैर राम प्रकाश जी अगले दिन गए और उन्होंने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया हरदोई जिले पे, फिर अपर जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी को आदेश किया, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारत भूषण ने राम प्रकाश को कहा कि आप जानवर इकट्ठे कर लीजिए और फिर हम उनको टैग लगा देंगे और फिर हम आपको बता देंगे कि इनको किन गौशालाओं में रखना है। उनके यहाँ से एक डॉक्टर साहब आए, 52 पशुओं को इकट्ठा किया गया लालमो मवई ग्राम सभा में, उनके कानों पे टैग लगाए गए। वो प्रक्रिया भी आपको बता दूं कि एक मशीन से कान में छेद किया जाता है और उसमें टैग लगाया जाता है, जैसे कि औरतों के कान में छेद किया जाता है या नाक में, तो उस छेद करने में कई बार वो घाव हो जाता है और वो पकने लगता है और उससे पशु को बहुत पीड़ा होती है। तो ये टैग लगाए गए और टैग लगाने के बाद लालम मवई के गांव वालों को कहा गया कि कुछ गायों को ढिकुन्नी में एक गौशाला है जो वहां से 1 किलोमीटर दूर है, वहां पे आप रख दीजिए, और बाकी को वहां से 15 किलोमीटर दूर गौशाला है पवाया भगवंतापुर में, वहां पे आप लोग पहुंचा दीजिए। राम प्रकाश ने कहा कि भाई आप इनको पहुँचाने की व्यवस्था कीजिए इतनी दूर,
तो पशु चिकित्सा अधिकारी ने साफ कहा कि भाई हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम इन गायों को नहीं पहुंचा सकते गौशाला, ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के आप विज्ञापन देखेंगे गायों को गुड़ खिलाते हुए, तो योगी साहब के पास अपना प्रचार करने के लिए गाय गौ संरक्षण के मुद्दे पे पैसा है, लेकिन गायों को गांव से गौशाला तक पहुंचाने का पैसा नहीं है। ये कितनी अजीब बात है। या उन गौशालाओं में गायों को खिलाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास नहीं, क्योंकि जब हमारे मित्र लालम और मवई के दिन में 1 बजे चल के अंधेरा होने पे पहुंचे पवाया भगवंतापुर, तो वहां के गांव वालों ने कहा कि भाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ जो पशु लाए गए थे पहले वो भी अब खुले घूम रहे हैं और वो हमारी फसल चर रहे हैं, और ये आप और पशु ले आए, हम तो बिल्कुल इनको यहाँ नहीं रखेंगे। तो हमारे मित्र राम प्रकाश ने पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन किया, उन्होंने अपना फोन ऑफ कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने उप जिलाधिकारी संडीला को फोन किया, उप जिलाधिकारी नाराज होने लगे कि मुझे बिना बताए पशु चिकित्सा अधिकारी ने कैसे जानवरों को वहां भेजने का आदेश कर दिया, यानी अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए कितने संवेदनहीन अधिकारी होते हैं, उन्होंने कहा कि आप इन पशुओं को वापस ले जाइए, यानी कि 15 किलोमीटर रात के अंधेरे में 35 गांव वालों से कहा जा रहा है कि 28 जानवरों को वो वापस ले जाए, जिनको लाने में आधे दिन से ज्यादा का समय लग गया। खैर उनके पास कोई चारा नहीं था, वो लेके निकले और रास्ते में लोहंगापुर नाम का गांव पड़ता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्र सिंह ने गांव वालों को जब जानवरों के साथ देखा तो उसने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। राम प्रकाश ने उसको कहा कि हम अधिकारियों से पूछ के उनके कहने पे जानवरों को लाए हैं, पुलिस थाने अतरौली को सूचना दी गई है कि हम 28 जानवरों को लेके आ रहे हैं। उसने पुलिस से फोन पे बात कराई, लेकिन उसके बाद भी ज्ञानेन्द्र सिंह और उसके 5-6 साथी लालम और मवई के लोगों के साथ मारपीट करते रहे, और उसके बाद जानवर तितर बितर हो गए, लोग भाग के थाने पे आए। थाने में कहा गया कि अगले दिन आइए। ये घटना है 27 तारीख की, 27 दिसंबर की। 28 तारीख को जब गांववासी थाने पे पहुंचे तो 1 बजे से 5 बजे तक बैठे रहे, और थानाध्यक्ष अपने कमरे में आराम कर रहे थे, 5 बजे उनसे मिले, उनकी शिकायत उन्होंने ली, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मैं SDM संडीला से खुद मिल चुका हूँ राम प्रकाश और साथियों को लेके। 1 जनवरी को हमने हरदोई जिले मुख्यालय पे धरना किया और वहाँ पे अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट थे, उनको ज्ञापन दिया। हमारी 2 मांगे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को मंडल अध्यक्ष बताता है ज्ञानेन्द्र सिंह, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो मारपीट का, और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा लगे, क्योंकि जिन लोगों को मारा गया है उसमें 4 या 5 दलित साथी हैं। लेकिन जो क्षेत्राधिकारी हैं संडीला CO, वो कहते हैं कि नहीं, हम इसमें SC ST की धारा नहीं लगा सकते, क्योंकि मारने वाले को क्या मालूम था कि ये दलित हैं। लेकिन ज्ञानेन्द्र सिंह ने जब पूछा कि ये गांव वाले कहाँ के हैं, और जब गांव वालों ने बताया कि हम लालम मवई के हैं, तो उसने साफ कहा कि ये वही गाँव है चमट्टों का, यानी कि जहाँ चमार रहते हैं, तो उसको मालूम था कि ये कौन लोग हैं, और उसने जाति सूचक गाली भी दी। और पुलिस को जब बताया जा रहा है, जब पुलिस से उसकी बात कराई जा रही है कि ये जानवरों को पुलिस को सूचना दे के लाया गया है, तो उसके बाद भी वो मारपीट करता रहा, यानी वो अपनी जातिगत दबंगई दिखा रहा था, और इन लोगों को उसने एक सवर्ण होने के नाते, और ये गाँव वाले चूंकि दलित और OBC बिरादरी के थे, इनके साथ वो मारपीट जारी रखी अपनी दबंगई दिखाने के लिए। तो हम लोगों ने अब कहा है कि यदि थाना नहीं सुनेगा, तहसील नहीं सुनेगी, जिला नहीं सुनेगा, तो अब हम इन जानवरों को लेके मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। और हरदोई जिले में, उन्नाव जिले में, बाराबंकी जिले में आज मीटिंग थी, जहां सीतापुर के भी लोग आए थे, सीतापुर जिले में, और लखनऊ का जो ग्रामीण इलाका है, तो 5 जिलों से गांव वाले अपने अपने गांव से निकलेंगे, कुछ पैदल निकलेंगे जानवरों को लेके, और कुछ इन जानवरों को वो जो छोटी पिकअप वैन होती है जिसको यहाँ डाला कहा जाता है, उसमें जानवरों को रख के निकलेंगे। और 26 जनवरी को जब दिल्ली में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रवेश कर रहे होंगे, तो
तो लखनऊ के आसपास के चार पांच जिलों के लोग, चार पांच ग्रामीण इलाकों के लोग अपने उन पशुओं के साथ जो उनके गांव में खुले घूम रहे हैं उनको लेके लखनऊ में प्रवेश करेंगे और योगी आदित्यनाथ के घर कालिदास मार्ग पे इन जानवरों को ले जाएंगे बांधने के लिए, क्योंकि योगी साहब के पास पैसा है जानवरों को खिलाने के लिए, वो उनके विज्ञापन से दिखाई पड़ता है, लेकिन गांव वालों की क्षमता नहीं है कि इतने सारे जानवरों की देखभाल वो कर सकें। जो सरकार की गौशालाएं हैं उसमें कोई गायों को रखने की व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ शेड है, ना उनको खिलाने की व्यवस्था है, और वो वहाँ जाने के बाद भी खुले घूमते रहते हैं। तो सरकार ये व्यवस्था कर नहीं पा रही है और सिर्फ अपना प्रचार कर रही है गौ संरक्षण का। तो योगी जी कुछ जिम्मेदारी लें और इन जानवरों की देखभाल करें, ये कह के हम 26 जनवरी को लखनऊ पहुंचेंगे। तो ये हमारी तैयारी है, आज ये निर्णय हुआ है, एक पर्चा इसके ऊपर बन गया है जो बटेगा, और हमारे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जो सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष हैं, जो हमारी किसान इकाई है, उन्होंने उन्नाव की एक सरकारी मीटिंग में जिसमें अधिकारी लोग मौजूद थे वहाँ ये ऐलान कर दिया है। और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया सारे अधिकारी और जो भाजपा का विधायक मीटिंग में बैठा हुआ था वो सब वहाँ से चले गए। तो ये सबकी जानकारी में ये बात डाली जा रही है ताकि कोई ये ना कहे कि आपने हमको बताया नहीं। अधिकारियों की, मीडिया की, सबकी जानकारी में हम बात डाल के और इन जानवरों को लेके 26 जनवरी को आएंगे। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी समस्या है, हम इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और हम उनकी जो मांग है उसमें अपनी आवाज भी मिलाएंगे कि जो तीन किसान विरोधी कानून बने हैं इनको वापस लिया जाए। तो ये मुझे अब बात रखनी थी विशेष करके आज के सत्र में, और मैं चाहूंगा कि अगर अब और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकते हैं। ये रेडमी नाम से, 8 नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है उनका हाथ उठा हुआ है। हाँ, बोलिए सर। आप भाई हाँ, जो भी। हाँ जी जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं अम्बाले तो बोल रही हूँ जी। जी जी जी। मैं 3-4 दिन हुए जी, मेरे को एक वीडियो आई है जी, इधे विच ये दिखाया गया है के कुछ मुसलमान भाई हैं जो वहाँ सिंगू क्वार्टर पे बैठे नमाज पढ़ रहे हैं जी। तो उस वीडियो का तात्पर्य क्या दिया हुआ है कि ये सब जो किसान हैं, ये किसान सारे के सारे इच्छाधारी किसान हैं। अच्छा। ये किसान नहीं है, ये मुस्लिम लोग इन लोगों ने इकट्ठे किए हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होके नमाज अदा कर रहे हैं, बट ये किसान नहीं है, ये लोग सिर्फ सिर्फ दिखाने के लिए आए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए लोग हैं। तो लोगों के बीच में इस चीज का भरम सर इतना ज्यादा है आम पब्लिक के बीच में कि जो किसान है सिर्फ वो एक पगड़ी वाला ही किसान है, बाकी कोई किसान नहीं है। इन लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है आम पब्लिक को, खास तौर से लेडीज को, कि किसान हिंदू भी है, किसान सिख भी है, किसान मुसलमान भी है। जो हिंदुस्तान मुल्क है वो एक खेती प्रधान मुल्क है, इसकी समझ लोगों को नहीं है सर। तो उस वीडियो को देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने पहले तो उनको जवाब देने का सोचा कि मैं उनको जवाब देती हूँ इस ग्रुप में कि भाई किसान सिर्फ सिख नहीं होता, किसान वो नहीं है जिसने पगड़ी बांधी हुई है, वही किसान है। किसान वो है जिसके पास जमीन है, जो जमीन को बीजता है, बोता है, वो किसान है। तो सर ये चीज लोगों को कैसे समझाई जाए? देखिए, मैं तो सिंघू पे था और वहाँ सिंघू पे था मैं, गाजियाबाद बॉर्डर जो गाजीपुर है वहाँ पे था, शाहजहाँपुर पे था और टीकरी पे भी था। तो ज़्यादातर तो सिंघू पे और टीकरी पे सिख किसान ही हैं, लेकिन ये बात सही है कि सिंघू बॉर्डर पे एक लंगर मलेरकोटला के किसान भी चला रहे हैं जो मुस्लिम हैं, और हमें वहाँ जाके पता लगा कि उसका इतिहास ये है कि जब गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों को जहांगीर ने
उसमें ईंटों में नहीं सर, जहांगीर नहीं औरंगजेब थे उस टाइम। नहीं मुझे, मैं भी सोच रहा था औरंगजेब है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो जहांगीर थे, इसको जरा चेक कर। नहीं सर, नहीं नहीं, वो जहांगीर ही थे, नहीं थे। अच्छा, अच्छा। वो औरंगजेब के टाइम की ही बात है सर ये। जी जी, तो जो भी मुगल बादशाह थे, जब उन्होंने उनके दो बेटों को चिनवाने का ये फैसला किया, तो जो वहां का नवाब था मलेरकोटला का, उसने मुगल बादशाह से कहा कि भाई आपकी दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह से है, आप उनके बेटों को क्यों सजा दे रहे हैं। जी, उसका विरोध मलेरकोटला की ये बात थी। जी, जी जी, उसका विरोध किया था। तो उसके बाद से जो सिख समुदाय है वो मानता है कि मलेरकोटला के लोग जो हैं वो उसके समर्थक हैं, और देश के विभाजन के समय ऐसा बताया गया कि कोई भी मुसलमान मलेरकोटला छोड़ के पाकिस्तान नहीं गया। तो इनका सिख समुदाय के साथ एक ऐतिहासिक रिश्ता है, और इसीलिए वो वहाँ पे लंगर चला रहे हैं। और भाई वो मुस्लिम हैं तो जाहिर है कि नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ये सही है कि किसान का कोई धर्म नहीं होता। भाई जिसके पास जमीन है, जो जो खेती कर रहा है या करवा रहा है, वो किसान है। और लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहिए, ये कुछ लोग कह रहे होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं, देखिए जो लोग भी इस आंदोलन पे सवाल उठा रहे हैं वो सब वो लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं। बहुत सारी बातें कही जा रही है, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। हमारे जो सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा जी, जब मैंने उनको चलने को कहा तो उन्होंने भी यही सवाल किया। तो मैंने उनसे उल्टा सवाल किया कि भाई अगर वो खालिस्तानी हैं और आतंकवादी हैं तो वहाँ हिंसा क्यों नहीं हुई आज तक, 50 दिन हो गए। तब उनको समझ में आया कि हाँ ये बात सही है कि अगर ये खालिस्तानी और आतंकवादी होते तो भाई कोई हिंसा भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। और हमारे जो पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष हैं हरिंदर सिंह मनसाइया मानसा के, वो तो कहते हैं कि इतना शांतिपूर्ण किसानों का कोई आंदोलन ही नहीं हुआ अभी तक हिंदुस्तान के अंदर इतना लंबा। तो ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है कि ये जितना इसको बदनाम करने की कोशिश की गई थी तरह तरह की बातें कह के, वो सब बातें जो हैं वो फिजूल की बातें हैं, और ये असल में किसान है। और जो भी वहाँ जाके एक बार देख ले तो उसके मन में इसको लेके कोई संदेह नहीं रहेगा कि वो किसान नहीं है। वो बाकायदा अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आके वहाँ पे टारपुलिन की शीट डाल के रह रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। ये कोई आसान बात नहीं है। वहाँ किसी ने कहा कि इनको 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो हमारे किसी साथी ने कहा कि भाई जो ये कह रहा है उसको कहो कि चलो हम तुम्हें 500 रुपये देते हैं, तुम आके रुको यहाँ पे रात में ठंड में, तब तुम्हें पता लगेगा। तो ये सब बातें जो है, बहन जी इसको लेके आप बहुत परेशान ना होइए। इस तरह की बातें ये करने वाले ये सरकार के समर्थक हैं, और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को बदनाम करने की। लेकिन असल में आंदोलन चूंकि सच्चाई पे खड़ा है, और ये अंतर है, देखिए ये जो नरेंद्र मोदी और सरकार है इनके अंदर कोई नैतिक शक्ति नहीं है। ये तो तमाम तरह के तिकड़म करके ये सरकार इन्होंने बनाई है, और तिकड़म से ही सरकार चला रहे हैं। ये जनता के हित में नहीं, पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है देश के सामने। ऐसा बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी भी इससे परेशान है कि उनका नाम बार बार आ रहा है, मुकेश अंबानी तो, और अडानी तो भाई गजब, वो तो गुजरात के एक पूंजीपति थे, पूरे भारत में कोई उनका नाम नहीं जानता था गुजरात के बाहर, और अब वो इस समय देश के सबसे बड़े दो पूंजीपतियों में से एक हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। और क्यों ना हो कि भाई नरेंद्र मोदी जी उनके जहाज में चलते थे, तो उनके जहाज में चल के वो शपथ लेने आए। तो ये सब बातें अब लोगों के दिमाग में साफ हैं, और चाहे सरकार कितनी कोशिश कर ले, जो लोगों के अंदर जो भावना है और खास करके उनका नैतिक बल है, जो वहाँ पे मैं जिन लोगों से मिला, खास करके पहली कतार में जो निहंग से खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम तो सीने पे गोली खा लेंगे लेकिन हम वापस नहीं जाने वाले। तो ये जो जज्बा है इसका कोई मुकाबला नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। और अंत में इस सच्चाई को सरकार को मानना ही पड़ेगा कि किसान की मांग ही जायज़ है। तो मुझे लगता है बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उनको आप नज़रअंदाज कीजिए, और आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप जो भी कर सकें वो आप करिए।
ठीक है, और कोई साथी अगर कोई बात रखना चाहे तो आप रखिए, नहीं तो अब एक घंटे पूरे होने को आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सत्र को अब समाप्त भी करना चाहिए। ठीक है बॉबी, ठीक है ना, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कल मुलाकात होगी 7 बजे। ठीक ठीक, थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।